हिंडोली में अतिक्रमियों के हौसले बुलंद हैं। बूंदी जिले के हिंडोली कस्बे में से गुजर रहे पुराने NH-12 अतिक्रमण की चपेट में हैं। वर्षों पूर्व बने विश्राम गृह पर भी अतिक्रमण हुआ। प्रशासन को नहीं है इस ओर कोई सुध। कार्रवाई के नाम पर हो रही सिर्फ खानापूर्ति। पुराने राजमार्ग 12 के पास सरकार द्वारा 80 फीट छोड़कर निर्माण करने का निर्देश था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में लोगों ने पंचायत के नियमों की अवहेलना करते हुए सड़क के किनारे तक निर्माण करवा लिया है, जिसके चलते सड़कों पर खड़े वाहन दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। अतिक्रमणकारियों ने सड़क से 80 फीट तो दूर की बात महज 2-3 फीट दूर ही निर्माण करवाना शुरू कर दिया। कस्बे में 1976 में बद्री नारायण इंटर सप्लाई होलसेल के द्वारा बसों को रोकने के लिए विश्राम गृह बनाया गया था, वो भी आज अतिक्रमण की चपेट में है, जिसके बाद से 2019 तक कई सरपंच रहे जिनके कार्यकाल के दौरान अतिक्रमण होता रहा। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की मिलीभगत के चलते अतिक्रमण बढ़ता गया और दुकानें सड़क किनारे तक बन गई। कोई 1 फीट अवैध निर्माण करवाता है तो दूसरा उसे देखकर 2 फीट अवैध निर्माण करवा देता है। इसके चलते पूरा राजमार्ग अतिक्रमण की चपेट में आ गया, लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। वही यदि प्रशासन द्वारा इन अतिक्रमणों को चिन्हित कर गंभीरता से प्रयास किए गए होते तो समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती थी। अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन इन अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं। अतिक्रमण के बारे में पहले भी बहुत बार प्रशासन को अवगत करा दिया है, और नाले के ऊपर जैसे इंडोली में अतिक्रमण की बाढ़ सी आ रही है, एक फुट बढ़ता है तो दूसरा 2 फुट बढ़ता है, और बहुत से अतिक्रमण हो रहे हैं, और अब इनकी प्रशासन को और अवगत कराएंगे और इनको हटाने का प्रयास करेंगे। पूरी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी ग्राम पंचायत से करके और उसका पट्टा है कि नहीं है उसकी जानकारी करके फिर कार्रवाई करेंगे। हिंडोली में अगर रोड की सीमा से को नहीं छोड़कर अतिक्रमण कर रहे हैं कोई भी, और क्योंकि ये पंचायत के आबादी क्षेत्र में है तो पंचायत द्वारा जब भी इसका अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चिन्हित कर ली जाएगी, और जब भी जरूरत होगी हम बिल्कुल कानून व्यवस्था के साथ उसको हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे, उनके साथ हैं। चूँकि मुझे भी कम समय हुआ है, मैंने उसको दिखवाया नहीं, अगर दिखवाएंगे अगर उसमें अतिक्रमण है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। आबादी विस्तार में ग्राम पंचायत को जमीन जो मुंतकिल हुई थी वह मेन रोड से 80 फुट छोड़ कर हुई थी। उस 80 फुट के अंदर ग्राम पंचायत का कोई कब्जा नहीं था और न कब्जा दिया था सरकार ने। तो ये कब से अतिक्रमण हो रहे सन, ये सन हमारे अपने सन 75 3975 के बाद से। जनता टाइम्स न्यूज के लिए बूंदी से हनुमान गौड़ की रिपोर्ट।